नॉर्मली क्या होता है कि आपको कुछ ऐप्स होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती प्ले स्टोर में, जिस पे एरर आता है आपको कि ये ऐप आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये इनका इस मसले को हल कैसे किया जाए, और वो भी बग़ैर VPN के और बग़ैर रूट किए मोबाइल को। और कुछ मसाले मसाइल होते हैं कि पेड्स जो होते हैं जिनकी पेमेंट करनी पड़ती है, वो ऐप्स ही आपको फ्री में कैसे मिल जाए, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ये सारे मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे। और उसके हवाले से एक और मसला है जिसके हवाले से हम वो ऐप हमें चाहिए होती है लेकिन प्ले स्टोर उसको प्रोवाइड नहीं करता। और एक और मसला है, कुछ ऐप्स हैं जो नॉर्मली आपको प्ले स्टोर में तो मिल जाते हैं, पर उसकी सर्विसेज लेने के लिए मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो मसला भी हल हो जाता है क्योंकि उसका एक्टिवेटर होता है, उसको आप पेमेंट करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे तो तब जाके आपको एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो एक्टिवेटर भी आपको उसको भी आप हासिल कर सकेंगे। तो ये सारे मसले मसाइल आपके कैसे हल होंगे, क्यों आज हम एक और स्टोर की बात करने वाले हैं। ये स्टोर है प्ले स्टोर से भी बड़ा स्टोर है, और ये बेसिकली काम कैसा करता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और ये ऐप हमें इसमें क्यों मिल जाती है उसका रीज़न भी हम बताएंगे आज आपको। ये एप्टॉइड के नाम से एक स्टोर है जो आमतौर पर काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये स्टोर आपको हासिल करने के लिए गूगल क्रोम जाना होगा। गूगल क्रोम जाने के बाद आप इनकी वेबसाइट विज़िट करेंगे app.aptoid.com से। आप वहाँ जाके जब इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ये वेबसाइट आपकी खुलने के बाद एक बॉक्स आएगा डाउनलोड का, इंस्टॉल एप्टॉइड का, ये आप इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल सा है, इसको आप क्लिक करने के बाद ये आपको डाउनलोड आपको इसका मिल जाएगा। इसका डाउनलोड मिलने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, सिंपल सा है स्टेप्स है इसके इंस्टॉलेशन के। और ये इसका होम पेज है, होम पेज के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ऐप्स प्ले स्टोर प्रोवाइड नहीं करता, जैसे कि विडमेट है और जैसे कि लकी पेचर है। इसी तरीके से कुछ ऐप्स जो सैमसंग स्टोर के अंदर होते हैं जो आम दूसरे मोटोरोला फ़ोन में अवेलेबल नहीं होते, तो वो भी आप यहाँ से हल कर सकते हैं। और इस तरीके से ये पबजी मोबाइल कुछ रूटेड फ़ोन होते हैं जिसमें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि वो मोबाइल रूटेड होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इनकी अपनी। तो यहाँ से अगर वो लोग इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे तो उनका भी यहाँ से डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। मैं करके इसको प्ले कर चुका हूँ। चलिए एप्लीकेशन की जानिब चलते हैं, वहाँ देखते हैं ये एप्लीकेशन इसके अंदर बेसिकली इसकी वर्किंग का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, वो उसके बारे में जानेंगे। ये एप्टॉइड है, इसके अंदर नॉर्मली यूज़र्स होते हैं साइन अप साइन इन करके, उनको एप्टॉइड जो है वो अपना बेसिकली अपलोडर देता है और बैकअप स्पेस देता है, जहाँ पे यूज़र्स नॉर्मली अपने ऐप्स को अपलोड करके सेव करके रख सकते हैं। हर किसी का अपना स्टोर होता है, ये आप लोग अपना स्टोर प्रोवाइड करते हैं और उस स्टोर के अंदर आप अपने ऐप्स सेफली रख सकते हैं। तो बेसिकली वो ऐप्स जो दूसरे ममालिक में मिलते हैं और हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ के यूज़र्स इसको अपलोड करके यहाँ पे डाल देते हैं। और एप्टॉइड क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में, एक कम्युनिटी बनाई हुई है इन्होंने, और ये बेसिकली बहुत ही बेहतरीन स्टोर है। वो सारे मसले मसाइल जो प्ले स्टोर ने नॉर्मली बनाए होते हैं वो सारे मसले मसाइल यहाँ के हल हो जाते हैं। ये स्टोर बहुत सारे बेनिफिशियल ऑप्शन देता है। ऑड एंड पोल एक एप्लीकेशन है, यहाँ इसको हमने सर्च किया है, बस ये इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये आपको फ्री में कैसे मिल रही है, तो बगैर पेमेंट की आपको मिल रही है। काफ़ी लोगों ने इसमें डाउनलोड किया हुआ है। इस तरीके से हम और भी इसके बारे में देखेंगे। कुछ ऐप्स जो बेसिकली एक और नया ऑप्शन गूगल प्ले में आ रहा है कि यार ये अभी आ रहा है, कमिंग सून का ऑप्शन आता है कुछ एप्लीकेशन के अंदर, तो वो मसला भी हल हो जाता है। क्योंकि कुछ जिस तरह की कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है, ये कुछ कंट्रीज़ में लॉन्च हो चुका है जबकि पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग होते हैं गेमर होते हैं, उनका शौक़ होता है कि वो पहले खेलें सबसे पहले, तो उसका भी मसला यहाँ के हल हो जाता है। हम इस गेम को यहाँ सर्च आउट करेंगे और देखेंगे कि अगर ये लॉन्च हो चुका है तो यहाँ पर अवेलेबल होगा। चलिए देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। ये देखिएगा, आ चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो कि अवेलेबल है। काफ़ी हज़ारों लोगों ने, 419,000 लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। और इसकी रेटिंग देखने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन आपने यहाँ डाउनलोड कर ली है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये एप्लीकेशन मतलब आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको मतलब काफ़ी मेमोरी है, इसको डाउनलोड करने में काफ़ी डेटा आपका यूज़ होगा, तो आप इसकी यहाँ नीचे आके रेटिंग देख सकते हैं कि रेटिंग इसकी क्या है। नॉर्मल इसकी रेटिंग नॉर्मल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एप्लीकेशन की रेटिंग चेक करने के बाद आप इसको डाउनलोड करने का रिस्क ले सकते हैं अगर उसकी मेमोरी ज़्यादा है और आपके पास डाटा कम है। इस तरीके से इस स्टोर को आप और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको इन मसाइल का सामना है।